पतले तो हो ही नहीं रहे, मैं कितनी पतली हो गई हूँ, तुम लोग तो पतले नहीं हो रहे हो। हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है इवनिंग में, बिकॉज आज बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं। बिजी इसलिए थी कि जनक गए हैं जैसे नेपाल, तो घर का बिल, स्टूडियो का बिल, हर जगह के बिल आया था। और ये नेपाल में करके आई हूँ, एक कारनामा करके आई हूँ मैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे देकर आई हूँ। बिकॉज क्या हुआ, वहाँ पे ना बहुत सारी लाइन लगी हुई थी, जैसे बहुत भीड़ थी। मुझे कम से कम भी वहाँ पे 3 से 4 घंटे लगे, और मैं फर्स्ट टाइम बिल जमा कराने गई थी। और वहाँ पे क्या हुआ, मैंने उनको पेमेंट दिया और उसमें से उन्होंने पैसे पता नहीं इधर उधर करने लग गए। और वो 500 जो है, मैंने तो 4 बार काउंट करके दिया था, फिर वो 500 उनको कम पड़ गया, वो क्योंकि बाकियों के भी वो पैसे पकड़ रहे थे, तो उसमें क्या हो गया, 500 इधर उधर हो गया। और वो बिल्कुल भी नहीं माने कि नहीं जी, हमने आपको, आपने हमें 500 कम दिया। ऐसा हो सकता है, बिल को मैं 5 बार काउंट करके और बिल और पैसा मैं इकट्ठा दे रही हूँ, और वो चारों तरफ से पैसे पकड़ रहे, तो वहाँ उनसे मिस्टेक हुई और भरपाई मैं करके आई हूँ। ये बात सुनो इस लड़की की, ये क्या बोलने वाली है, दुख भरी दास्तान है, दुख भरी दास्तान इसकी। क्या बोल रही बता? कह रही सी मेरी नाल दे सब दे रोके हो रहे है। मैं लेट तो नहीं चल रही, तो इसको, इसके जो सारे फ्रेंड्स हैं इसके सबके रोके हो गए हैं, तो इसको बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रखे है, तो ये मजे ले रही है। सरदार मुंडा इसे कॉन्टेक्ट करे। सरदार मुंडा इसे, हाँ मुझे देख ले तू, बायो च मेरा नंबर पा देना। फाइनली अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए। आज का डे जो था बहुत ही हेक्टिक था, तो चलते हैं अब, लेट्स गो। सो गाइस, अब मैं पहुंच चुकी हूँ मंडी, और पहले सबसे पहले यहाँ पे उतर के लेते हैं सब्जियाँ एंड फ्रूट्स। मम्मा कह रहे थे आज घर पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से हम लेके चलते हैं पहले। तो सब्जी फ्रूट सब ले लिया है, और आप चलते हैं घर की तरफ। ये देखो गाइस, हमारी मम्मा दवाइयों के इतने भूखे हैं, जैसे खुद खाते हैं ना दवाई। मैंने आयुष के लिए कल दवाई ली थी, 2 दिन में मैंने ये डब्बा खत्म नहीं किया, आज छोड़ के गई हूँ। तो एक एक गोली दिन में देना था, 4-4 गोली इकट्ठे खिला दिया मम्मी ने। क्यों खिलाया आपने 4-4 गोली इकट्ठे? मेरे को पता नहीं था, मैंने आपको बताया तो था एक एक गोली देनी है। मेरे को पता नहीं, मैं उसको पूछी तो बोला 4-4 गोली खानी है, और मैं 3-3 गोली दे दी, पूरा डब्बा खत्म कर दिया। रात को जाके मैं कहाँ से लेकर आऊँ दवाई। तो मम्मी आपकी सब्जियाँ एंड फ्रूट सारी मैं ले आई हूँ, ठीक है? मैंने खाना है सेक के। ये डाइटिंग क्या है मम्मा? क्या डाइटिंग, डाइटिंग करके इतना मक्खन मलाई लेके आते हैं, डाइटिंग डाइटिंग करते हैं, खाते हैं, उसमें फैट नहीं होता। पतले तो हो ही नहीं रहे, मैं कितनी पतली हो गई हूँ, तुम लोग तो पतले नहीं हो रहे हो, डाइटिंग डाइटिंग करते रहते हो। कर दी हमारी बेइज्जती डाइटिंग की। हाँ, डाइटिंग थोड़ी है ये आपके लिए। वो देखो मैं फ्रूट्स लेकर आई ना, फ्रूट्स खाओ, सब्जियाँ खाओ। अच्छा, आप क्यों डाइटिंग कर रहे हो इस एज में बताओ, मेडिसिन खानी होती है तुम्हें। मेरे को भी तो पेट निकला हुआ है, मैंने भी डाइटिंग करना है। कैसा होता है डाइटिंग खा के? सुबह खिलाया नहीं आपको, पसंद तो नहीं आया था, सुबह खाया था कि नहीं बताओ? हाँ, वो मुंह में चिपक गया था। मतलब ये मैंने ना सुबह मम्मा को ये पीनट बटर के साथ वो बना के दिया, ब्रेड बना के दिया, मुंह में चिपक गया था बबल गम जैसे। फिर आप हमारी डाइटिंग की बेइज्जती क्यों कर रहे हो? चिपक चिपकने वाला ही डाइटिंग होता है क्या? हाँ जी। और हमारे पापा जी जब भी घर आते हैं, ये देखो सारा टाइम ये फोन में लगे रहते हैं। पापा सारा टाइम फोन के अलावा कोई काम है? मेरी जिंदगी यही है बेटा, है सारा को जिंदगी यही है। ये बहुत दिन से बीमार है, और ये 3 दिन हो गए इसने कुछ नहीं खाया। कितने दिन हो गए मम्मी इसने कुछ नहीं खाया? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए ना ये खाने के लिए बिल्कुल नहीं मान रहा, हॉस्पिटल भी लेके गए, दवाइयाँ भी दे रहे हैं। आज मम्मी ने बताया सारा दिन इसने कुछ नहीं खाया, दलिया भी नहीं खाया,
सो गाइस अब ये ज़्यादा बीमार हो गया तो इसलिए मैं इसको अब लेकर जा रही हूँ हॉस्पिटल फिर से। चलो बैठो बैठो जल्दी। सो अब फिर से पहुँच चुकी हूँ मैं हॉस्पिटल इतनी रात को। चलते हैं हॉस्पिटल। चलो चलो जल्दी चलो आ जाए। ठीक ही नहीं हुआ। फाइनली अब हम दवाई लेके जा रहे हैं घर। ये लड़का ना तो पूरी रात सोने देता है। गाइस इतनी रात को ये देखो मैं इन दोनों को गाड़ी में बिठा के लेकर जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो मम्मी? खजूर ढूंढने। डॉक्टर ने इसको बोला कि खजूर खिलाओ। इसने कल से परसों से कुछ नहीं खाया खाना। बोलता थोड़ा ताकत वाला चीज खिलाओ, खजूर खिलाओ दूध में डाल के। इस टाइम हम खजूर ढूंढने जा रहे हैं कि इसके पेट में कुछ चला जाए। हो सकता है मुझे यहाँ पे खजूर मिल जाए। भैया ने इतनी सारी दुकान खोल के बैठे बट खजूर नहीं मिला मुझे। तो वहाँ पे तो मुझे मिला नहीं। अब जा रही हूँ मैं ये दूसरी दुकान पे, शायद मुझे यहाँ से मिल जाए। तो फाइनली हमें मिल गया है आयुष का सारा सामान और अब हम चलते हैं पहले घर, फिर देखते हैं। अब डॉक्टर कहते हैं इसको गजरेला खिलाओ ताकि इसके गले में आराम मिले। अब देखते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर ने बोला आयुष को गजरेला खाने के लिए, तो अब ये गजरेला बनाने के सीख रहे हैं। एक भाभी मेरा कैमरा मुंह के अंदर ही डाल देते हैं ताकि जितनी भी मेरे मुंह में पिंपल दाने हैं वो बस ऐसे नजर है कि बस क्या ही बताऊं मैं। तो आप गजरेला बना किस को नहीं अच्छा लगता कि उनका कैमरा मुंह में आए बताओ। तो ये आज आयुष के लिए बना रहे गजरेला उनकी प्यारी बुआ। रोटी को मुझे खानी हो? मम्मा मैंने रोटी नहीं खानी, हम डाइटिंग पे हैं, आपको बताया तो है। मम्मी गुड़ से बनता है? गुड़ से गुड़ का बनता है कि नहीं बनता है बताओ? बनता है। नहीं बनता है? बनता है। डाइटिंग का ये देखो नाम क्यों कोक पी रहे हो आप? डाइटिंग आप कर रहे हो, मैं थोड़ी कर रही हूँ। तो आपने तो बोला था मेरे को साथ साथ में डाइटिंग करा दो, तभी तो ब्रेड इतने पीनट बटर लेकर आई हूँ मैं। आज मुझे बहुत दुख हुआ, एक न्यूज मिली सच। क्या? पूरी जिंदगी मुझे लगता था मेरी जो हाइट है वो 5'2" है। पर आज मुझे पता चला कि मेरी हाइट सिर्फ 5 है। फिर तो मेरी फोटो होगी। मुझे इतना दुख, इतना दुख। मैं कम से कम 2 घंटे शॉक में रही हूँ कि यार 2 इंच कम कैसे हो गए। ये तो बेइज्जती हो गई बहुत ज्यादा। मैं डॉक्टर को पूछा पक्का 2-5 है? 5-1, 5-2 भी नहीं है? कहते नहीं 5 ही है। मेरी कितनी होगी फिर? गया ना आपकी होगी 4-5। 4 फुट? नहीं मैं सुनना नहीं। 4 फुट 5 इंच? नहीं मैं सुन नहीं सकती। रहने दो, 4 फुट। ये क्या मतलब था? नाम ही से 4 फुटे का घर जा नहीं होते। जो 4 फुट के होते मम्मी कहते उनको 4 फुटे कहते हैं, तो अब भाभी को 4 फुटे बुलाएंगे। बेइज्जती कर दी मेरी हाइट की बेइज्जती। मैं भी 5 फुट हूँ, मैं बहुत ही इतनी लंबी नहीं हूँ, 7 इंच 7 फुट। सो अब बज रहे हैं रात के 11 और फाइनली अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो आई होप गाइस आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।